एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड शो जिसने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ पहचान ही नहीं दी, वह उनकी आवाज भी बना दुनिया भर के देशों में। और आज जब वह हमारे भारत देश में आया है तो ये बहुत सम्मान की बात है हमारे देश के लिए। आज हमारा देश दुनिया के बाकी सभी सुपर पावर देशों के साथ सम्मिलित ही नहीं, उनके साथ कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, जो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि हमारा देश बदल रहा है। ऐसा ही एक शो है जिसने हमारे देश में आते ही धूम मचा दी, वह है शार्क टैंक। दुनिया भर के देशों में एंटरप्रेन्योर्स की पहचान बन चुका शो शार्क टैंक आज हमारे बदलते भारत की एक नई तस्वीर उजागर करता है। शार्क टैंक के ही जज पैनल में मौजूद शार्क अनुपम मित्तल उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद अपने दम पर बनाई है। साल 1971 में जन्मे मुंबई में एक हिंदू मारवाड़ी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले अनुपम एक ऐसे परिवार में जन्मे जिनका अपना खुद का बिजनेस था, इसलिए बिजनेस का हुनर वह लेकर पैदा हुए थे ये कहना गलत नहीं होगा। बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने के कारण वह काफी यंग एज से ही अपने खुद के बिजनेस करने में जुट गए थे, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो सके, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कॉटन मेडअप्स एक्सपोर्ट करने का, लेकिन उसमें उन्हें काफी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा, जिसके बाद वह अपने आप को आजमाने के लिए यूरोप चले गए और उसके बाद यूएस। लेकिन वह अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए थे जिसके वह सही हकदार थे। यूएस में रहकर अनुपम ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी और जिसके बाद वह वहीं पर रहकर अनुपम ने यूएस में जॉब भी करी। यूएस में काफी सालों तक रहने के बाद अनुपम ने वहां बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा, लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत बड़ी आंधी आने वाली होती है तब प्रगति हमें संभलने के लिए बहुत पहले ही संदेशे देने शुरू कर देती है। ऐसा ही कुछ अनुपम के साथ भी हुआ। यूएस में रहकर अनुपम ने जाना तो बहुत कुछ, लेकिन जब दुनिया भर में मंदी का दौर आया तब उस मंदी की चोट अनुपम को भी बहुत जोर की लगी और इतनी तगड़ी लगी कि जो अब तक अनुपम ने यूएस में कमाया था ना कि वो गया बल्कि उधार भी उनके सर पर चढ़ गया था, जिसके बाद वह अपने वतन इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद अपने यूएस के अनुभव से अनुपम ने इंडिया में अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत करी। अनुपम की कंपनी ने काफी ग्रोथ देखी, अपनी लाइफ वापस से ट्रैक पर लाने में कामयाब हो सके। वहीं एक बार की बात है, वह अपने ऑफिस में ही थे तब उनके फादर अनुपम के लिए एक पंडित जी के साथ रिश्ता लेकर आए, जहां से अनुपम को आइडिया आया कि अगर उन्होंने ये रिश्ता इंटरनेट पर डाल दिया तो कोई भी कहीं से भी उन्हें ढूंढ सकेगा। ये पल अनुपम के लिए एक ऐसा मोमेंट बना जिसने अनुपम की लाइफ की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिसके बाद अनुपम ने शुरुआत करी वेबसाइट sagai.com की। वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगा था, लेकिन अनुपम उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। वह चाहते थे एक ऐसा नाम रखना जो काफी कैची हो और बहुत कॉमन हो। तब उन्हें shaadi.com का डोमेन मिला, लेकिन उस डोमेन की कीमत 25 लाख रुपए थी, जिसे सुनकर वह स्तंभ रह गए और सोचने लगे, क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यूएस से वापस आने के बाद 25 लाख की वह फाइनल फिगर थी जो उन्होंने अभी तक जमा करी थी। लेकिन अनुपम ने ये रिस्क उठाया और आज वह जहां मौजूद है वह किसी से छुपा नहीं है। shaadi.com ब्रांड आज एक घरेलू नाम बन चुका है। आज के इस डिजिटल इंडिया के एरा में जहां सब कुछ हमारे फोन्स में अवेलेबल है, उसमें से ही एक प्लेटफॉर्म है shaadi.com। अनुपम आज सिर्फ shaadi.com के साथ ही नहीं, ऐसे और भी कंपनीज के साथ जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके और उन्हें समय समय पर मदद मुहैया कराकर। अनुपम ने अपनी खुद की मेहनत के दम पर ये सब हासिल करा है जिसके वह सही हकदार हैं, और अपने एक्सपीरियंस के दम पर उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।